खुदाम की सलामती आप लोगों के साथ रहे और खुदाए सालूस और बरहक खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए दोस्तों आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। नहायत मेहरबान आसमान जमीन के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो के तो अजीम बरहक है और खुदा तो हमें बारहा ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम तेरे सुंदर कदमों में आए, तुझे इज्जत जलाल दे और तेरी तारीफ करें। खुदा बाप, आज इस अलत सुबह तेरे कदमों में हाजिर होना, खुदा खुदा तेरी तेरे हजूर में इबादत करना, तेरे नाम की जय जयकार करना और तेरी प्रस्तिश करना खुदा यकीनन हमारी ज़िंदगी में फल लाने का सबब हो। अपने जलाल और अपनी कुदरत और अपनी शफकत से रास्ता करे कि एक जान को कसरत की बरकत देना, क्योंकि खुदा तू हमारा मेहरबान खुदा है। यीशु के पुरफजल नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन लो, बख्श दे, आमीन। खुदा उनकी तारीफ करते हैं दोस्तों, और आज के इस नहायत ही खूबसूरत वक्त के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए और इस खूबसूरत मौसम के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ आइए मिलकर अपने दिन का आगाज खुदा उनके जलाली और कदूस नाम के वसीले से करें और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो क्वायर हमारे लिए लेकर आई है, वो गीत गाते हुए हम खुदा की तारीफ करेंगे। यीशु तू बदल देता है, यीशु तू, और बेशक वो यीशु जो हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है, जो यकसर इंसानों की जिंदगियों को बदल देता है। आइए आज उसके नाम को इज्जत जलाल दें और उसी की प्रस्तिश करें। हालेलुया। तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के साथ मिलकर हम सब ने गाया। खुदाम की सिताइश और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दोस्तों अब वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने और आज हमारे क्वायर की एक मेंबर सायरा आज हमारे साथ हैं और मैं सायरा से गुजारिश करूंगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाए। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज की तिलावत मरकज़ की अंजील 3 बाब और उसकी 3 आयत। उसने उस आदमी से
जिसका हाथ सूखा हुआ था, कहा बीच में खड़ा हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई इंतहाई बरकत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, तुझे जलाल और हशमत, बुजुर्गी, कुदरत, ताकत और खुदा खुदा तमाम तर हिकमत और दनाई का खुदा है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा हम तेरे फजल के और खुदा मोहब्बत के हाथ हमें घेर लें और खुदा हम खुदा तेरा रूह जुम्बिश करे और प्यारे बाप आसमानी तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, खुदा उन यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, एक सबत का रोज है, जिस वक्त वो इबादत खाने में तशरीफ ले जाते हैं तो वहां पर बहुत सा हजूम मौजूद है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं बहुत सारे लोगों में एक ऐसा शख्स भी वहां पर मौजूद है कि जिसका एक हाथ सूख चुका है। वो हाथ क्यों सूखा है, उसकी वजह क्या है, वो कब से इस हालत में है नहीं जानते हम, लेकिन खुदावंद की जब नजर करम उस पर होने को है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली जो है वो चंद लम्हों के बाद रूनमा होने जा रही है। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें क्या बात बयान करता है कि खुदावंद की निगाह जब उस पर पड़ी, वो शख्स के जिसका हाथ सूखा हुआ था, जब खुदावंद ने उसको देखा तो उससे क्या कहा कि इनके बीच में, इनके दरमियान में आकर खड़ा हो। और मेरे दोस्तों, उस शख्स का हाथ सूखा हुआ था, इस बात को अपने जहन में रखिए। और क्यों और कब से था नहीं जानते। और इसी तरह से अक्सर औकात क्या है कि जब हम अपने बॉडी के किसी मसल को ज्यादा देर तक हरकत में ना लाएं, इस्तेमाल ना करें उसका प्रॉपर, तो वो स्टिफ होकर सूखने लगता है, रुक जाता है और वर्किंग करना जो है वो बंद कर देता है। और इस बात को जहन में रखिएगा। और यहां जिस वक्त खुदा उनके जिंदा कलाम में से हमने इस बात को देखा कि तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वहां पर जिस वक्त खुदावन ने उस शख्स को जो के जिसका हाथ सूखा हुआ था सामने बुलाया और तमाम हजूम के दरमियान ला उसको खड़ा किया, तो खुदावन एक बड़ा काम करने जा रहे थे। खुदावन एक ऐसे काम की सरंजामी दे रहे थे कि जो हकीकत में किसी और शख्स के बस की बात नहीं थी। और जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उस हजूम के दरमियान में उस शख्स को खड़ा करते हैं जिसका हाथ सूखा था, तो वहां पर भीड़ में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है कि जो सिर्फ इसलिए वहां पर जमा हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के हर अमल पर तनकीद करें, उसको शिद्दत के साथ क्रिटिसाइज करें और उसको मौरद इल्जाम ठहराएं और फिर उसको हलाक करने का पूरा प्लॉट जो है उसको तश्कील दे दें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इन तमाम बातों से मुबर्रा होकर, इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके, उनका फोकस कहां पर लगा हुआ है कि वो मजबूर शख्स के जो अपाहिज किसी जिंदगी बसर कर रहा है, जिसका हाथ काम नहीं करता, जिसका हाथ सूख चुका है, तो दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह का कंसर्न क्या था कि खुदावंद उसको हील कर दें, खुदावन उसको सेहत दें, खुदावन उसको तंदुरुस्ती अता कर दें। और दोस्तों, अगर हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम के हवाले से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि खुदावन यीशु मसीह सिर्फ अच्छे काम नहीं करते थे बल्कि हकीकत में वो जिंदगी की डिमोन्स्ट्रेशन करते हुए हमें नजर आते हैं, जिंदगी को जाहिर करते हुए नजर आते हैं, जिंदगी को बांटते हुए दिखाई देते हैं। और आज खुदा उनके जिंदा कलाम के हवाले से जो आयत मुबारक पर हम गौर कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जिस वक्त इस ये सारा माहौल है कि एक तबका ऐसा है जो यीशु पर तनकीद करने से बाज नहीं आता और यीशु मसीह दूसरी तरफ खड़े हैं जिनको उन तमाम लोगों की इन बातों और तनकीद की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हकीकत में वो शरीयत और सबत और अपने आने के मकसद को पूरा कर रहे थे इबादत खाने में। और उनके आने का मकसद क्या था,
कि वो जो मौत के साए की वादी में बैठे थे उन पर नूर चमका। और दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह सिर्फ मौजजात नहीं करते थे, सिर्फ बीमारों को तंदुरुस्त नहीं करते थे, वो जन्म के सिर्फ अंधों को शिफा नहीं देते थे, वो बहरों के सिर्फ कान ही नहीं खोलते थे, बल्कि क्या है कि वो जिंदगी जारी करते थे, वो जिंदगी को पैदा करते थे। और वो लोग जो मुर्दा हालत की जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदावन यीशु मसीह उनको बहाल करते हैं और खुदावन यीशु मसीह उनमें जिंदगी की रमक को पैदा करते हुए जिंदगी का दम फूंकते हैं। और वो शख्स जो जिसका हाथ सूखा हुआ है, जब उसका हाथ, खुदावन ने उसको क्या कहा कि इनके बीच में खड़ा हो और अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उस शख्स ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो फौरी तौर पर तंदुरुस्त हो गया, वो फौरी तौर पर ठीक हो गया। तो इस सारे वाक्य में हकीकत में मसीह खुदावन ने वो कसरत का इख्तियार जाहिर किया कि वो हाथ जिसको दोबारा बहाल करना किसी भी शख्स के बस की बात नहीं थी, खुदावन ने उस हाथ को बहाल किया, खुदावन ने उस शख्स की जिंदगी को बहाल किया। और आज कई दफा जिस वक्त हम अपने टैलेंट्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, कई दफ़ा जब हम उन तमाम तोड़ों का जो खुदावन ने हमें बख्शे हैं, उन तोड़ों का खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर हमारी हालत भी उस सूखे हुए हाथ वाले शख्स से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो फिर क्या है कि जो खुदावन ने ब्लेसिंग मुझे दी हैं, जो खुदावन ने बरकात आपको दी हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस हम नहीं करते तो क्या होता है कि वो बरकात हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाती हैं। खुदावन ने तो हम पर फसल करके हमें अपनी नेमतों बरकतों से आसूदा किया, लेकिन हमने उन बातों का क्या ख्याल किया है? और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को समझ लें कि आज जो कुछ उस इबादत खाने में होने जा रहा था, खुदावन की यह ख्वाहिश थी कि हर आंख उसको देखे और उसकी गवाह ठहरे, क्योंकि हर घुटने को उसके सामने झुकना है और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। और इसी ख्याल के वसीले से खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन की तारीफ हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा खादिम होते हुए प्यारे बाप आसमानी, मैं इस बात का बरमला इकरार करता हूं कि खुदा उन कई दफा जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, कई दफा जिंदगी के ऐसे हिस्से हैं कि जो यकीनन रूहानी एतबार से मुर्दापन का शिकार रहते हैं। खुदा उन तू हमारे उन तमाम तर रूहानी मसाइल का इलाज कर और हमें खुद पर यकीन रख के आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तू ही हमारा खुदावन और तुझी पर हमारा एतकाद और भरोसा है। हमारी इस मिन्नत को सुनो, कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान तमाम देखने और सुनने वाले जिंदगियों पर होता रहे, आमीन।